फिलहाल फिल्म रुस्तम की वर्दी नीलाम नहीं कर पाएंगे अक्षय कुमार, मिला लीगल नोटिस। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से सुर्खियां बटोरने वाले अक्षय कुमार को रुस्तम की वर्दी नीलाम करना भारी पड़ गया है। फिलहाल वे रुस्तम की वर्दी को नीलाम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा इस विवाद के चलते उन्हें और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना एवं ऑक्शन हाउस को लीगल नोटिस भेजी गई है। यह नोटिस कुल 21 लोगों को भेजी गई, जिसमें 11 सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स, एक IAF अधिकारी और 7 रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। इस लीगल नोटिस में स्टार कपल अक्षय और ट्विंकल से कहा गया है कि वो इस वर्दी की नीलामी को तुरंत रोक दें। बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म रुस्तम में पहनी हुई नेवी ऑफिसर की यूनिफॉर्म नीलामी के लिए दी थी। 24 घंटे से भी कम समय में इस ड्रेस के लिए 20,000 रुपए की प्रारंभिक बोली लगाई गई। इसके बाद यह कीमत 20,000 से 2.5 करोड़ तक पहुँच गयी। मुंबई के फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म सॉलिटस काउंट के जरिए ये बोली लगवाई गई। इससे मिली राशि पंचगनी के एक एनिमल वेलफेयर NGO जेनिस ट्रस्ट को दी जानी थी। ये नीलामी पूरे एक महीने तक चलने वाली थी, लेकिन यह मामला विवादों में घिर गया। वर्दी की नीलामी के फैसले पर ऐतराज जताते हुए ऑफिसर संदीप अहलावत ने कहा था कि ये महज एक यूनिफॉर्म नहीं बल्कि सम्मान और बलिदान है, इसलिए अगर उन्होंने इसे नीलाम करने की सोची तो वे उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म रुस्तम में पहनी हुई नेवी ऑफिसर की यूनिफॉर्म नीलामी के लिए दी थी। इससे मिली राशि पंचगनी के एक एनिमल वेलफेयर NGO जेनिस ट्रस्ट को दी जानी थी।